अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज जा रही हूँ मटन शामी कबाब बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने ली हूँ 1.5 किलो मटन कीमा और ये 150 ग्राम चने की दाल, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची अदरक का पेस्ट, कोथमीर और ये हरी मिर्ची, आधी प्याज, नींबू, तेज़पत्ता, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला और लाल मिर्ची। तो चलो हम बनाते हैं। तो मैंने एक कुकर ली हूँ, कुकर में डाली हूँ ये कीमा अपना। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा दाल 150 ग्राम जो भिगा के रखी थी मैंने चने की, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने ऐड किया, फिर मैंने तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, नमक और ये ज़ीरा सब मैंने इसमें डाली हूँ, और एक चम्मच मैंने लहसुन, एक चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे आधी प्याज और एक आलू, थोड़ा सा पानी। अब सब अपन मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 4-5 सीटी ले लेंगे। तो ये हमारा ये शामी कबाब का कीमा जो है रेडी है। अब ये जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हम सुखा लेंगे। तो और थोड़ा सा नमक मेरा कम हो गया था, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और हाँ मैंने इसमें थोड़ी लाल मिर्ची भी डाली क्योंकि तीखा थोड़ा कम था। ये मैंने लाल मिर्ची डाली हूँ। हाँ तो ये मेरा हो चुका है। तो अब इसको निकालते हैं एक प्लेट में। तो ये प्लेट में निकल चुका है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। अब हम एक चॉपर में लेंगे आधी प्याज और 2 मिर्ची हरी मिर्ची, और उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में इसको हमें पीसना नहीं है कबाब के मसाले के साथ, इसे पीसना नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गिल्ला हो जाता है तो कबाब बन नहीं पाते हैं। इसलिए ये हमने इसको निकाला, फिर इसमें हमने ये कबाब का ये मसाला डाला है और अभी अच्छे से हम इसको पीसेंगे। तो आप देख सकते हो ये पीस चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा जो एक आलू था उसको हमने निकाल के रख दिए थे, वो आलू हमने इसमें डाले हैं। और जो प्याज चॉप किए थे, मिर्ची हरी मिर्ची, वो डाल दिए। और इस तो इसमें हम डालेंगे कोथमीर और ये सबको हम मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अगर इसमें कबाब ना बन रहा हो तो इसको थोड़ी देर फ्रीज में डाल दें, उसके बाद कबाब बनाएं। फिर मैंने एक पैन ली हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ और फिर ये कबाब बना के मैं उसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसको शैलो फ्राई करो, और अगर नहीं बन रहा हो तो इसको फ्रीज में डाल दो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये आराम से बनेगा कबाब। तो ये देखो हमारे पीछे के साइड का बन चुका है। अब इसको हम पलटेंगे। तो ये हमने पलट चुका है, तो हमारा कबाब रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करो। अब इसको ये प्लेट को हम सजाएंगे, टमाटर रखेंगे, प्याज रखेंगे और मिर्ची रखेंगे। आप अपने हिसाब से करना जो आपको रखना हो। तो ये मेरा कबाब रेडी हो चुका है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़।